हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन मेंटोर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के द्वारा जो नेट के क्वालिफाई बच्चों के लिए जो फेलोशिप आती है उसी के रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका यूजीसी नेट के द्वारा आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2020 जून 2021 का होता है, वो एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं और साथ में एनटी की तरफ से आपके नेट का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों का नेट या जेरफ क्वालिफाई हुआ है। तो उन सभी को मैं अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ कि उनका नेट क्वालिफाई हुआ। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, जिन स्टूडेंट का नेट क्वालिफाई हुआ है उनकी तरफ से एनटी की तरफ से एक फेलोशिप इशू की गई है। अगर उस फेलोशिप में अगर आपका नाम ऐड होता है तो आप जेरफ के बराबर आपको फेलोशिप मिलेगी और आप जेरफ में इंक्लूड हो सकते हैं। न्यूज़ इवेंट के अंदर आपको दिखाया कि यहाँ पर तीन प्रकार की फेलोशिप आपको दी जाती हैं। सबसे पहली फेलोशिप जिसके ऊपर आपको बताया है कि नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, जो एससी शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट के लिए ये पहली लिस्ट रहेगी। अगर आप एससी से शेड्यूल कास्ट से हैं तो अपने एप्लीकेशन नंबर से आप चेक कर सकते हैं अगर आपका नेट क्वालिफाई है। अगर आपका इस लिस्ट के अंदर नाम है तो आप आने वाले 3 साल के अंदर PhD में इनरोल कर फेलोशिप का लाभ उठा सकते हैं। सेकेंड नंबर पर जो आपकी नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास के जो OBC हैं, जो BC OBC BCA के सभी कैंडिडेट हैं, वो OBC या बैकवर्ड के अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर BSc के OBC का कोई भी स्टूडेंट इस एनटी के लिस्ट में ऐड है और अपने एप्लीकेशन नंबर इसके अंदर लिस्ट में है तो वो बच्चा भी फेलोशिप प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि आपको 3 साल के अंदर PhD में इनरोलमेंट करवाना ज़रूरी है। तीसरी लिस्ट आपके लिए है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए कि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, कि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये तीसरी फेलोशिप की लिस्ट रहने वाली है। इस लिस्ट के अंदर आपका अगर रोल नंबर है, आपका एप्लीकेशन नाम है तो आप इसमें सिलेक्ट होकर फेलोशिप प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लिस्ट में कैसे आपके रोल नंबर्स और नेम्स दिए गए हैं। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NT की तरफ से UGC नेट दिसंबर 2020 जून 2021 का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर अवार्ड ऑफ नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल का स्टूडेंट, कि जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, कि आपको यहाँ दिखाया गया कि ये आज आपकी ये जो लिस्ट है वो इशू की गई है 28 फरवरी 2022 को। इसके अंदर एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर है आपका, अगर एप्लीकेशन नंबर इसके अंदर ऐड है, आपका रोल नंबर ऐड है तो आप नेशनल फेलोशिप में इंक्लूड हो जाते हो। इसके लिए जब आप PhD करोगे तो आपको JRF से 2 या 3 हज़ार रुपये कम ही, मतलब अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलता है जिससे आप PhD आराम से कर पाओगे और आपको साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगी। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपका नेट क्वालिफाई हुआ तो आपको ये तीनों लिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए। इसके अंदर आपसे अगर सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपनी फेलोशिप को पक्की कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।